हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन दिस टू, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाट डज इट मीन? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है दूसरों के हित के लिए की गई सेवा. सर्विस रेंडर्ड टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर. एजुकेशनल रिसर्च की एनसाइक्लोपीडिया में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा गया है? शिक्षा प्रशासन या विद्यालय प्रशासन मनुष्य के प्रयासों को समन्वित करने तथा उचित सामग्री को इस प्रकार प्रयुक्त करने की प्रक्रिया है, जिससे मानवीय गुणों का कुशलता पूर्वक विकास हो सके. यह केवल बच्चों तथा युवकों के विकास के साथ ही संबंधित नहीं है, बल्कि प्रौढ़ों, विशेषकर स्कूल से संबंधित व्यक्तियों के विकास के साथ भी संबंधित है. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ पर्सनल एंड ऑफ यूटिलाइजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल्स इन सच अ वे सो एज टू प्रमोट इफेक्टिवली द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज. It is concerned not only with the development of children and youth, but also with the growth of adults and particularly with the growth of school personnel. Now comes school management. School Prabandhan. School Prabandhan kya hota hai? School Prabandhan mukhya roop se kisi vishisht lakshya ke liye प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रण करने की एक कला है. मैनेजमेंट इज प्राइमरली एन आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग द टास्क एंड एफर्ट्स ऑफ अदर पर्सन्स टू रियलाइज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. प्रबंधन वातावरण को बनाए रखने एवं उसे बनाने का कार्य है, जिसमें व्यक्ति अपने ध्येयों को कुशलता और प्रभावशाली विधि से प्राप्त कर सकता है. मैनेजमेंट इज द वर्क ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंट्स इन विच पीपल कैन अचीव देयर गोल्स एफिशिएंटली. नाउ सी हाउ दिस टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. स्कूल प्रशासन और स्कूल प्रबंधन, कि इनका आपस में क्या संबंध है और ये एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है. सो लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट प्रशासन, कि विद्यालय प्रशासन क्या होता है. देखिए, विद्यालय प्रशासन और प्रबंध को समझने के लिए, उनके बीच में डिफरेंस क्लियरली पता करने के लिए, हमें सबसे पहले यह समझना है कि प्रशासन क्या होता है. प्रशासन किसी कार्य को क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया है. जितनी भी टॉप लेवल की एक्टिविटीज होती हैं, उनको गवर्न करने की जो प्रोसेस है, गवर्न करने का, दैट इज प्रशासन. तो जब हम स्कूल प्रशासन की बात करते हैं, तो स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्कूल का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना. अब बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, इस हेतु एक संस्था स्थापित की जाती है, संगठन तैयार किया जाता है और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का जो उद्देश्य है संस्था के सामने, उसके लिए संसाधनों को जुटा लिया जाता है. विभिन्न संसाधनों को जुटा लिया जाता है, उसमें मानवीय संसाधन भी आते हैं, जैसे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और दूसरे फिजिकल रिसोर्सेस भी आते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, डिफरेंट इक्विपमेंट्स एटसेट्रा. तो प्रशासन क्या है? प्रशासन जितनी भी टॉप लेवल की एक्टिविटीज होती हैं या प्रशासन के सामने एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को रियलाइज करने हेतु प्रशासन प्रयासरत रहता है. प्रशासन के अंतर्गत क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जिससे कि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके.
और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संस्था संगठित की जाती है और संसाधनों को भी गठित किया जाता है, संसाधनों को भी जुटा लिया जाता है जिनका उचित प्रयोग करके उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जाती है। सो दिस इज प्रशासन। अब प्रबंध का क्या अर्थ है, विद्यालय प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? देखिए, संस्था द्वारा संगठित जितने भी संसाधन हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल एक संस्था है, तो स्कूल के द्वारा जितने भी साधनों को संगठित किया गया है, एकत्रित किया गया है, जुटा लिया गया है, क्यों? उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु। तो किस तरह से उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, किस तरह से उन संसाधनों को सही तरीके से मैनेज करना है, यूटिलाइज करना है, सो दैट कि उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, यह कार्य प्रबंधन के अंतर्गत आता है। मीन्स वी हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज अप्रोप्रिएटली सो एज टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव। दिस इज नोन एज स्कूल प्रबंधन। स्कूल प्रबंधन में इनफैक्ट क्या होता है, स्कूल प्रबंधन जैसे स्कूल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वर्ड को एनालाइज करके अगर हम देखें तो स्कूल प्रबंधन के कार्य को हम सही तरीके से समझ सकते हैं, इसके अर्थ को सही तरीके से जान सकते हैं। मैनेजमेंट शब्द को एनालाइज करते हुए वी विल हैव थ्री डिफरेंट पार्ट्स। व्हाट आर दिस? मैनेज प्लस मैन प्लस टी, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट को एनालाइज किया तीन अलग अलग पार्ट्स में, मैनेज प्लस मैन प्लस टी मींस हमको प्रबंधन में क्या करना है, विद्यालय प्रबंधन में क्या करना है, मैनेज करना है किसे, मैन को, जो मैन रिसोर्सेज हैं संस्था के, किस तरह से, टी, टी स्टैंड्स फॉर टैक्टफुली, मैनेज मैन टी, मैनेजमेंट के अंतर्गत मैनेजमेंट टी मींस वी हैव टू मैनेज द मैन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज टैक्टफुली। तो जितने भी मानवीय संसाधन हैं, मानवीय तत्व हैं संस्था के, उन्हें इस तरह से निर्देशित करना है, उन्हें इस तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है सो दैट कि संस्था द्वारा संगठित जितने भी संसाधन हैं, वो भौतिक संसाधन हैं, वो आइडियोलॉजीज हो सकते हैं, वो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने फॉलो करने हैं, विचारधाराएं जो उन्होंने अपनानी है, कंटेंट करिकुलम जो भी उन्होंने तैयार किया है उसका अनुपालन करना है बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु, तो वट एवर रिसोर्स इट इज टू बी यूज बाय द ह्यूमन रिसोर्स, किस तरह से वो गतिविधियां हमें सही तरीके से मैनेज करनी है और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंध करना है सो दैट कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। सो दिस ऑल कम्स अंडर स्कूल मैनेजमेंट। अब स्कूल प्रशासन को हम एक सिंबॉलिक वर्ड के द्वारा भी हम स्कूल प्रशासन के तहत की जाने वाली सभी क्रियाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं और वो वर्ड है पोस्ट कर्ब। पोस्ट कर्ब मीन, पोस्ट कर्ब में कौन कौन से लेटर्स आए हैं, पी ओ एस डी सी आर बी, पोस्ट कर्ब। अब पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, सी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, आर रिपोर्टिंग एंड बी बजटिंग। तो देखिए, जैसे हमने प्रशासन में पहले कहा कि प्रशासन में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए टॉप मोस्ट एक्टिविटीज को गवर्न करना ही प्रशासन कहलाता है, तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन के अंतर्गत, विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत भी कौन कौन सी क्रियाएं संपादित की जानी आवश्यक होती है, प्लानिंग, प्लानिंग इज टू बी डन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द रिसोर्सेज, whether it is human resource or it is physical resource or it is formulation of ideas or principles, so it is all these things are to be organized. Then staffing, staffing में आता है कि जो मानवीय संसाधन है specially जो teachers हैं school में, school एक संस्था के रूप में, तो staff को appoint करना, whether it is teaching staff or it is non-teaching staff or it is technical staff, so whatsoever it is, all the staff members are to be appointed so as to realize the objective. Then direction, whatever human personnels are there in the school, un sabhi ko
उनकी संबंधित गतिविधियों में निर्देशन प्रदान करना, सो दैट कि वो सही पथ पर सही तरीके से अग्रसर रहें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते रहें। देन कोऑर्डिनेटिंग, अब हमें तालमेल स्थापित करना होता है। दिस इज टू बी अंडरटेकन, दिस टास्क इज टू बी अंडरटेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी संसाधन हैं स्कूल में, फिजिकल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या रूल्स रेगुलेशंस को हमने फॉलो करना है, तो इन सभी तत्वों के बीच में तालमेल, उचित तालमेल स्थापित करना, सो दैट कि हमारी सभी की सभी गतिविधियां, क्रियाएं जो स्कूल में आयोजित की जा रही हैं, वो सुचारू रूप से संचालित होती रहें और हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते रहें। देन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वट एवर एक्टिविटीज हैव बीन डन, वट एवर एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन, उन सभी की रिपोर्ट बनाना और अकॉर्डिंगली कंसर्न्ड अथॉरिटी को वो रिपोर्ट सबमिट करना। देन बजटिंग, बजटिंग में आय और व्यय इसका लेखा जोखा रहता है कि स्कूल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो जो भी एक्टिविटीज की जानी है, जिन जिन भी संसाधनों को जुटाना है, उसमें कितना खर्चा होना है, कितना व्यय होना है, तो कितना बजट सैंक्शन करवाए जाने की जरूरत है, सैंक्शनड बजट को हमें किस तरह से प्रयोग में लाना है, उसका उचित प्रयोग सुनिश्चित करना है। सो ऑल दिस कम्स अंडर बजटिंग एंड दिस इज अगेन टू बी डन अंडर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्कूल प्रबंधन में, जैसे हमने पहले कहा कि स्कूल प्रबंधन क्या है, दिस इज द प्रबंधन ऑफ द मैन रिसोर्सेज, मैनेज मैन टैक्टफुली। तो जो भी मानवीय संसाधन है संस्था के पास, उन मानवीय संसाधनों को टैक्टफुली मैनेज करना, मींस उन्हें सही तरीके से गाइड करना और निर्देशित करना, तो उसमें स्कूल मैनेजमेंट में 5M का हम प्रयोग करते हैं। 5M में कौन कौन से M से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मनी। तो मेन टास्क इसमें मानवीय तत्व का होता है, मानवीय संसाधन का प्रबंधन में मेन टास्क होता है। तो मानवीय तत्वों को इतना निर्देशित करना है सही तरीके से, इस तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, सो दैट कि वो संस्था द्वारा जुटाए गए सभी मटेरियल्स या सभी भौतिक संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग कर सके। जितनी भी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी टीचिंग लर्निंग एड्स हैं स्कूल में जो एकत्रित की गई हैं, जिनको गठित किया गया है और जिनका प्रयोग करना सुनिश्चित करना है, सो दैट कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, वो मशीन्स। देन मेथड्स, किन किन मेथडोलॉजी के द्वारा टीचर्स अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। और मनी, नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर इज मनी। तो जितनी भी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज आयोजित की जानी, सुनिश्चित की गई हैं संस्था के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए कितना, कितने धन की आवश्यकता है, तो वो बजट सैंक्शन करना। सो ऑल दीज टास्क कम्स अंडर स्कूल मैनेजमेंट। नाउ ब्रीफली थ्रो लाइट अपॉन द डिफरेंशियल पॉइंट्स बिटवीन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जैसे हमने मीनिंग को और इनके कार्यों को स्पष्ट करते हुए देखा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, टू गवर्न टॉप लेवल एक्टिविटीज, टॉप मोस्ट एक्टिविटीज, जितनी भी टॉप लेवल की एक्टिविटीज होती हैं। जैसे सबसे पहले उद्देश्य होता है स्कूल के सामने, प्रशासन के सामने, तो वो बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और उसे फर्दर कौन कौन से कार्य करने हैं, अकॉर्डिंगली इन सभी एक्टिविटीज को गवर्न करना कम्स अंडर स्कूल प्रशासन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और स्कूल मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसेट माना गया है, एक हिस्सा माना गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ही डिफाइन करता है मैनेजमेंट के कार्य को। फॉर एग्जाम्पल, एक संस्था है, संस्था ने एक स्कूल एस्टेब्लिश किया है, उस स्कूल का उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना, और वो हाई स्कूल है। अब हाई स्कूल में दो विंग होते हैं, एक प्राइमरी विंग होता है और एक सेकेंडरी विंग होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पूरे हाई स्कूल
प्राइमरी विंग को भी और सेकेंडरी विंग को भी, विंग से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको गवर्न करना। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट के अंदर हो सकता है कि जो प्राइमरी विंग है, प्राइमरी विंग को मैनेज करने का काम किसी एक अलग मैनेजर को दिया गया हो और सेकेंडरी विंग को कि सेकेंडरी विंग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां आयोजित की जानी है और उद्देश्य की प्राप्ति की जानी है उसका कार्य किसी दूसरे मैनेजर को दिया गया हो। सो जो ये स्कूल मैनेजमेंट है इसीलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसेट माना जाता है और ये एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो कि मैनेजमेंट के कार्य को डिफाइन करता है और डिसाइड करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, दिस इज डिसाइडेड बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्कूल प्रशासन डिसाइड करता है कि हमें संस्था द्वारा या स्कूल द्वारा, स्कूल एक संस्था है तो स्कूल ने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। तो ऑब्वियसली स्कूल का उद्देश्य होता है बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, उनको शिक्षित करना। तो उनको शिक्षित करने के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास करने हेतु हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है और ये एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए हमें संसाधनों को जुटाना है, हमें स्टाफिंग करनी है, हमें ऑर्गेनाइजेशन करनी है अलग अलग रिसोर्सेज के बीच में, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है सो दैट कि सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके, हमें सभी संसाधनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना है, रिपोर्टिंग करनी है सभी एक्टिविटीज की, बजटिंग करनी है और एट लास्ट इवैल्यूएशन भी की जाती है। सो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू और कब करना है। तो देखिए पहले जैसे स्कूल स्टार्ट होता है, एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है तो एडमिशन किस तरह से होगी, किन बच्चों की होगी, कब होगी, क्लासेस कब शुरू होंगी, कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट कब करवाया जाएगा। सो व्हाट एंड व्हेन टू डू, दिस इज बीइंग डिसाइडेड अंडर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्कूल प्रबंधन की अगर हम बात करें सो इसके तहत, इसके अंडर हम क्या कंसीडर करते हैं, हु विल डू एंड हाउ विल इट बी डन। जैसे हमने बात की कि हमें स्कूल में, स्कूल प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या करना है, तो इसमें हमने करिकुलर एक्टिविटीज की बात की या को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवानी होती हैं बीच में, तो वो एक्टिविटीज कौन करेगा ये स्कूल प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और ये एक्टिविटीज किस तरह से की जानी है, कौन सी मेथोडोलॉजीज का प्रयोग किया जाना है, किन मटेरियल्स का प्रयोग किया जाना है, किन मशीन्स या इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाना है, कितना बजट हमको इस कार्य को करने के लिए चाहिए। सो हु विल डू, कौन ही करेगा एंड हाउ इट विल बी डन, दिस इज बीइंग डिसाइडेड और दिस इज कंसीडर्ड अंडर स्कूल मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिगार्डिंग स्कोप। स्कूल प्रशासन का जो स्कोप है, कार्यक्षेत्र है, वो बहुत वाइडर होता है जैसे हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, और जो स्कूल मैनेजमेंट का स्कोप है वो नैरो होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल प्रबंधन को स्कूल प्रशासन का एक सबसेट माना जाता है और स्कूल प्रबंधन की सारी गतिविधियों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है या निर्धारित करता है, तो इसलिए इसका स्कोप थोड़ा संकुचित हो जाता है। Then last point of difference between school administration and school management is that जो school प्रशासन है, विद्यालय प्रशासन है, ये संस्था की जितनी भी गतिविधियां आयोजित होनी है उसके लिए जितने भी resources को allocate करना है और उन resources को जुटाने के लिए जितना भी budget sanction किया जाना है, this is to be decided by under school administration। और जो सैंक्शनड बजट है, धनराशि है, उसका हमको किस तरह से प्रयोग करना है सो दैट कि हम संसाधनों को सही तरीके से मैनेज कर सकें, ये कार्य स्कूल प्रबंधन के अंतर्गत आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल मैनेजमेंट। नाउ वी हैव सीन द डिफरेंस between school administration and school management. Now we have to see that how these are interrelated. In ye dono aapas mein bilkul separate entity nahi hai. School administration aur school prabandhan alag alag entity ke roop mein nahi hote hain. ये interrelated हैं, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। प्रशासन और प्रबंधन मुख्यतः अंतर संबंधित हैं। अच्छा प्रशासन अच्छे प्रबंध पर ही आधारित होता है।
और अच्छे प्रबंध से ही अच्छे प्रशासन की सफलता सुनिश्चित की जाती है। जैसे हमने प्रबंधन और प्रशासन के बीच अंतर में देखा कि प्रबंध स्कूल में यंत्र लगाने के समान है और प्रशासन यंत्र को चलाने के समान है, मीन्स एक दूसरे के बिना दोनों निरर्थक माने जाते हैं। प्रबंधन में वस्तुओं और साधनों को एकत्रित किया जाता है और सही तरीके से उनका प्रबंध किया जाता है, और प्रशासन में सभी एकत्रित वस्तुओं व साधनों का उचित प्रयोग किया जाता है। जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, उद्देश्य को पाने हेतु उन पॉलिसीज को क्रियान्वित किया जाता है। सो इफेक्टिव स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्कूल का प्रबंध भी प्रभावशाली हो। दिस इज ऑल अबाउट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर। Thank you and have a nice day.